सॉल्यूशन हब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पोहा बनाएंगे। ये खाने में जितना टेस्टी है बनाने में उतना ही आसान है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2.5 कप पोहा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और थोड़ी देर भीगा रहने के बाद मैंने उसे छान लिया। इसके अलावा हमें चाहिए हींग, राई 1 चम्मच, कटा हुआ हरा धनिया, टमाटो सॉस, जीरा 1 चम्मच, कच्ची मूंगफली, 1 बड़ा प्याज कटा हुआ। यहाँ मैंने चेरी ली है, जब हम पोहा बनाएंगे तो बहुत कलरफुल दिखेगा। नमक मिर्च स्वादानुसार, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, नींबू, चीनी और हरी मिर्च। पोहा बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और इसमें कच्ची मूंगफली डालकर उसको अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है। फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली निकाल लेने के बाद सेम कढ़ाई में कच्चे हुए तेल में हींग, राई और जीरा डालने के बाद इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज भून जाने के बाद अब हम मसाले में 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी और नींबू डालने से हमारा पोहा खट्टा मीठा बनेगा और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा होगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर नींबू का जूस भी डाल रही हूँ। नींबू का बीच बीच में चला गया, हम इसको निकाल लेंगे। धीमी आंच पर मसाले को 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें तली हुई मूंगफली डाल देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर चेरी भी डाल रही हूँ, कटा धनिया भी अब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा रेडी है, अब हम इसमें पोहा मिक्स कर देंगे। पोहा मिक्स करने के बाद ये बहुत ही कलरफुल और चटपटा बनेगा। इसे आप सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।